नमस्कार स्वामी जी, नमस्ते जी। कब आप सकते कैसे हैं? हैं? बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। हम लाइव हैं तो हम अब आईआईटी बॉम्बे का ई समिट हो रहा है आज यहाँ पर, तो उसके अंदर हम बात करेंगे आपके साथ। आपने जो काम कर दिया है इस कंट्री के अंदर, इन टर्म्स आपने जो योगा के लिए किया है, जो आयुर्वेदा के लिए किया है, आई थिंक पिछले 6-7 साल में जो आपने किया है, इससे इंडिया की तो मैं बता सकती हूँ कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो आपने वेलबींग की कॉन्शियसनेस डाल दी है, वो इतनी बड़ी बात है कि आज बजट 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने ये एक विजन दिया है कि हमने हेल्थ केयर और वेलबींग को इतना बड़ा करना है। लेकिन आप तो इतने सालों से ये कर रहे हैं, और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे फादर आपका प्रोग्राम देख के रोज 30 मिनट्स योगा करते हैं पर्सनली भी, और सोसाइटी के लेवल पे भी। आई थिंक जो आपने किया है वो बहुत ही बड़ी बात है। और जस्ट टू स्टार्ट, तो आई थिंक आप ट्रूली एक कंप्लीट मैन, जिसको हम इंडिया में कहते हैं, आप वो हैं। आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, आपने और आप एक बिजनेस लीडर भी हैं, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने ब्रांड के, खुद के, पतंजलि के, और साथ में आप एक थॉट लीडर हैं जिन्होंने वेलबींग को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। तो आपने एक प्रॉपर मिथ तोड़ा है इस कंट्री में, जहां ये सोचा जाता था कि स्पिरिचुअल लीडर वेल्थ क्रिएटर नहीं हो सकता, लेकिन आपने वो एक ये जागरूकता दी है इस कंट्री को कि एक बिजनेस लीडर होना और एक स्पिरिचुअल लीडर होना एब्सोल्युटली पॉसिबल है, क्योंकि आपका जो थॉट है, आपका पर्पस है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सोसाइटी को चेंज करने का होना चाहिए। आज जब हम बात करते हैं कि स्टार्टअप्स को चेंज द वर्ल्ड करना है, आपने जेन्युइनली वो किया है। तो आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप, आपको ये इतनी सिंपल तरीके से, इतने सरल तरीके से आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह अचीव की? आपका क्या मन में आया था कि आपको लगा कि आपको ये करना चाहिए? थैंक यू मारिया जी। पहले तो आप जितने भी आईआईटी के हमारे गुरुजन हैं उन सबको मेरा प्रणाम, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, और जो एक बड़े संकल्प के साथ कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, क्योंकि छोटे सपने देखना और छोटे कार्यों के लिए अपने समय, शक्ति, ऊर्जा को लगाना है, ये जीवन का अनादर है, ये डिसरेस्पेक्ट है अपनी लाइफ का। जी और भगवान ने हमको अनलिमिटेड नॉलेज, इमोशन, स्ट्रेंथ, विजडम प्रोवाइड किया है। यदि हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य। मैं उस तरह की डेस्टिनी में नहीं मानता जो लोग कहते मेरा काल वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। हमने काल के भाल पर इतिहास लिया, हमने इतिहास पढ़ा भी है और इतिहास गढ़ा भी है। जी और जो आपने बोला कि स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में जो मिथ थे कि सन्यासी को तो ऐसा होना चाहिए, सन्यासी को वैसा होना चाहिए, ये लोगों ने भ्रांति इसलिए पाली कि ज्यादातर सन्यासी पलायनवादी हो गए थे। मैं कहता हूँ सन्यासी को कैसा होना चाहिए, सन्यासी को सभी दिशाओं से, डिफरेंट एस्पेक्ट से, उसको सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए वो क्या प्रोवाइड कर सकता है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो समाज के लिए सब कुछ सोचे, बहुत कुछ सोचे, ऐसा सन्यासी होना चाहिए। तो मैं बात एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता हूँ तो मैं देखता हूँ एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले तो आप अपने नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल और जो कुछ आपके पास में सामर्थ्य है, जी आपके पास में हमारे एक शब्द बोला जाता है हिंदी में पुरुषार्थ, संस्कृत में पुरुषार्थ एक बहुत बड़ा शब्द है, जी तो उसको आप वेल्थ में जो क्रिएट करते हो। अब मिट्टी है, अब मिट्टी की आपने ईंट बना दी तो ये वेल्थ हो गई। हम नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट भी करते हैं,
इस मिट्टी से हमने पट्टी बना दी और लोगों के स्टमक डिसऑर्डर्स को दूर कर दिया, कॉन्स्टिपेशन को, कोलाइटिस को, इंडाइजेशन को, पायस फिसर फिस्टुला को दूर कर दिया। जिन लोगों को बहुत पुराने पुराने स्टमक डिजीज थे, फैटी लिवर था, हेपेटाइटिस था और लिवर सिरोसिस था, उसको दूर कर दिया जी। तो हमने अपने नॉलेज को, जो हमारे पास में रिसोर्स थे, उसको मल्टीप्लाई करके, माने एक मिट्टी जैसी चीज को, एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया जी। अब हमने मकई से विटामिन कॉर्न हल से हमने विटामिन B12 तैयार कर दिया। हमने जो है अलग अलग ऐसे पतंजलि, अभी आपके जानकारी के लिए न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं, वेरी गुड, जिसमें हम अभी विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन, ओमेगा और साथ में कॉलेजन और जितने प्रोटीन डाइट है, ये अभी पतंजलि का सबसे बड़ा लोग ये करीब 50,000 करोड़ का पूरा इसका मार्केट है, जिसमें अभी आने वाले समय में पतंजलि बहुत बड़ा शेयर लेने वाला है और वो 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। तो खैर, मैं आपको ये बात कर रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत एक सिंपल चीज है, जो गांव के लोग, जो अंग्रेजी नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने के लिए तो IIT में पढ़ना जरूरी है। मैं IIT में लोग पढ़े मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ा हूँ लेकिन बिना IIT एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा देसी अंदाज अपनी बात को कहने का तो जो है ये तो एंटरप्रेन्योरशिप है। और जहां तक इस देश को अब आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है जी, कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, डिफरेंट सर्विसेज में, हर फील्ड में हम भारत को सबसे इंडिया फर्स्ट में, इंडियंस बोलो और माने भारतीयों के द्वारा, भारत में 99% जो कुछ हो रहा है, चाहे वो ब्रांड देसी हो या विदेशी हो जी, भाई जब चना बेचनी है तो उसमें विदेशी टैग लगाने की जरूरत क्या चना, मूंगफली, कॉर्न और ये नूडल्स, ये जो है साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम, ये हम अपने देसी नामों से क्यों नहीं बेच सकते? बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस में ये अंतर है कि हम अपनी वेल्थ ऐसे क्रिएट करें, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सी और फाइजर, जो भी अलग अलग फील्ड में जो कंपनियां हैं, मोबाइल, ऑटोमोबाइल से लेकर के और क्या क्या बोलूं मैं, सभी फील्ड्स में ये ज्यादा हमारे इंडियंस के दिमाग में घुसा हुआ है। हमारे IITians को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं कि मुझे किसी MNC के अंदर नौकरी मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हम सपना देखें कि मैं एक MNC क्यों नहीं क्रिएट कर सकता। आज हमने करीब 25,000 करोड़ की एक टर्नओवर की कंपनी, आज पतंजलि और रुचि से बोले तो करीब 25,000 करोड़ की दोनों कंपनियां खड़ी कर दी है, जो और एक पतंजलि एक नया ब्रांड क्रिएट किया और एक NPA हुई कंपनी के अंदर, अभी मैं मतलब जो है ज्यादा तो नहीं बोल सकता क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, लेकिन यदि NPA जब से एक वर्ड आया है, टर्मोलॉजी आई है इकोनॉमिक्स में, उसमें सबसे अच्छी कोई कंपनी मूव हुई ही है तो वो है रुचि सोया। तो चीजों को कैसे खड़ा करना, बिगड़ी हुई चीजों को क्राइसिस से कैसे बाहर निकालना, और खाली अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे, हम अपने पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित करें जी, उसको परमार्थ के लिए कैसे लगाना, अपने लिए कुछ नचाना,
कुछ लोग गीता के एक श्लोक का उल्टा पुल्टा अर्थ करते थे, खास करके हमारे कुछ कम्युनिस्ट भाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बोलो मजदूरी पूरी करो और सैलरी मत मांगो। तो ये इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ यह है कि मेहनत पूरी करो और फिर जो उसका कर्मफल व्यवस्था है तो वो नेचुरल जस्टिस है, वो मिलेगा ना आपको, उसके बारे में आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो आगे आपके क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ा लेंगे, तो मुझे लगता है अपने जो यंगस्टर्स हैं जिनको सच में या तो कोई प्रोफेशनल बनना है या कोई सच अपना बिजनेस खड़ा करना है या किस तरह से चैलेंजेस को फेस करते हुए क्राइसिस के बीच में किस तरह से उनको सॉल्यूशंस ढूंढने, तो उस बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल स्वामी जी, आपने अभी आत्मनिर्भरता की बात करी और यू नो इतना बड़ा आज ये थॉट गवर्नमेंट भी देना चाहती है कंट्री को, पर्टिकुलरली पैंडमिक के बाद जब जॉब्स में बहुत कटौती हो गई है, बिजनेसेस उतने जॉब्स नहीं जनरेट कर रहे हैं जितने पहले थे, तो आत्मनिर्भरता एक बहुत ही बड़ी सोच है। और आपने अपने पतंजलि के थ्रू इतना बड़ा कम्युनिटी एम्पावरमेंट किया है जहाँ आपके फॉलोअर्स ही सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स बने और उन्होंने पतंजलि का प्रचार किया और लोगों को कहा कि कॉन्शियस होके ये प्रोडक्ट्स को यूज करिए। तो यू नो आज आपने एमएनसीज को चैलेंज किया इस मॉडल के थ्रू, जहां पर वो सोचते हैं कि यू नो एक फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के साथ करना है, लेकिन आपने अपने फॉलोअर्स की स्ट्रेंथ को, पावर को यूज किया वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाने के लिए। तो ये वर्क कल्चर आपने किस तरह से सोचा और किस तरह इसको ड्राइव किया, यू नो बिकॉज आज शायद आपको जब आपने शुरू किया होगा तब आपके जो आपके सपोर्टर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनको शायद एक बार ही समझ नहीं आया होगा कि आपका लार्जर विजन क्या है। तो ये आपने कैसे ये वर्क कल्चर बनाया पतंजलि के अंदर, और एक शायद ये एमएनसी के वर्क कल्चर से बिल्कुल अलग है जहाँ सब सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और यू नो सारा दिन कंप्यूटर पे आ गए। मेरा वर्क कल्चर मारिया जी ऐसा है 4 AM to 10 PM ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी पैकेज, विदाउट एनी क्या बोलूंगा मैं, फैमिली, विदाउट एनी विदाउट एनी वाइफ, लाइफ इज गोइंग वेरी वेल। तो थोड़ा मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि लोगों का वर्क कल्चर क्या है, बोला हमको 10 बजे से लेके जो 5 बजे तक काम करने वाली जो सोच से बाहर आना पड़ेगा। इसका मतलब मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की बात नहीं करता हूँ। जो 10 बजे से 5 बजे तक सोचता है वो नौकर हो सकता है, रोटी इसके अंदर पढ़ा नहीं कर सकता। ये जितने भी IITians हैं हमारे, एक तो उनको बोलना चाहूंगा कि आप ये 10 से 5 वाली सोच से बाहर निकलिए। सुबह 1 घंटा योगाभ्यास कीजिए, जब आप जागे, जब जागे तभी सवेरा, और उसके बाद आप काम के साथ एंटरटेन कीजिए। मैं 40 सालों से कभी भी एक बार भी मैं हॉलीडे पर नहीं गया हूँ। मैं कहता हूँ नो हॉलीडे, एवरी डे इज हॉलीडे। तो मैं काम के साथ ही एडवेंचर करता हूँ। आपको शायद ये आश्चर्य होगा जान करके, मैं कभी भी कोई पिक्चर नहीं देखता, कभी कोई सीरियल नहीं देखता, कभी कहीं एडवेंचर के लिए कहीं इधर उधर नहीं भागता, और काम में इतना खुश रहता हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर है 70/110, 110/70 है, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, 17.5, और मेरा वेट है 67, और मेरी बायोलॉजिकल एज है 25, और और लगते भी आप 25 के ही। और जब ये पेंडेमिक आया बहुत बड़ा कोरोना का, तो 2 महीना तो एमएनसीज को ये समझ में नहीं आया हमें करना क्या है जी। और उस दरमियान हमारा हाईएस्ट टर्नओवर था पिछले 10 इयर्स का, हाईएस्ट टर्नओवर हमने किया जी। और लोगों को बिना रेट बढ़ाए हमने अपने अफोर्डेबल प्राइस में सारी चीजें उपलब्ध करवाई जी। तो चीजों को करने के तौर तरीके अच्छे होने चाहिए। लोग सोचते थे एमएनसीज के सामने कौन खड़ा हो पाएगा, हमने
एमएनसीज के सामने खड़ा होकर के ही नहीं दिखाया, हमने एमएनसीज की जड़ों को हिलाया और उनको यह एहसास कराया। आज एमएनसीज वाले भी बोलते हैं क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, अभी उनको भी वेद शक्ति याद आ गया। आज एमएनसीज को भी पतंजलि के तर्ज पर चलना पड़ रहा है, हमने एमएनसीज का अनुकरण नहीं किया, हमने हम एमएनसीज के पीछे लगू नहीं बने, एमएनसीज ने हमको फॉलो किया। तो ये चीज हम खड़ी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को मैं कहता हूँ अपने रियल विजन के साथ हम चले। तो क्या आपके फॉलोअर्स भी आपके वर्क कल्चर की तरह ही अपना वर्क कल्चर बनाते हैं, जहां पर वो ये नहीं सोचते कि यू नो कौन सा आर ऑफ द डे है और कब उनको काम करना है कब नहीं करना है? तो यू नो वो कैसे आपने उनको वो जागरूकता दी है कि काम और यू नो आराम दोनों अलग अलग नहीं है, सब इकट्ठा ही हो सकता है? हाँ, इकट्ठा हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। और देखो अभी मुझे अचानक दिल्ली आना पड़ा, तो अभी मैं आपको चलती हुई गाड़ी से ही बात कर रहा हूँ। आप हलचल से पता लग रहा होगा आपको। तो संडे के दिन मेरे लिसनर सबसे ज्यादा होते हैं जी। मैं आस्था से लेकर के संस्कार चैनल से लेकर के हमने मतलब चैनल भी क्रिएट किए, मीडिया भी, स्पिरिचुअल मीडिया में 80% जो लोग हैं वो हमारे साथ कनेक्ट है स्पिरिचुअल मीडिया। मेरे 5 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हमको मतलब इसके साथ, ये तो ऑफिशियल वो हमारे जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स में, उसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं। आप यदि वीडियोज के व्यू देखेंगे तो मेरे हर महीना 10 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक मेरे वीडियोज के व्यूज है, और संडे के दिन वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं। मैंने श्रद्धा को समृद्धि में, अपने ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथ को मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया, और उनको ये बताया कि जब हमारी अपनी चीजें अपनी निष्ठा के ऊपर गौरव करें और वो हमारी दूसरी विदेशी कंपनियों से श्रेष्ठ हैं, तो हम उनको क्यों ना अपनाएं। तो इसमें मैं 100% कामयाब हुआ हूँ। मेरे मानने वाले करोड़ों हैं, तो मेरा विरोध करने वाले भी बड़े ताकतवर हैं, ये सारी दुनिया जानती है। और लोग कहते थे कि जो जिसको कोई ब्रांड क्रिएट करना है, जिसको कोई वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसको जो है कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए जी। उसको किसी भी प्रकार के जो है पॉलिटिकल व्यूज नहीं रखने चाहिए, और मैं तो पंगेबाज आदमी हूँ। हर बारे में अपने एक साफ सुथरे व्यू रखता हूँ। आप पॉलिटिक्स के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिजनेस के बारे में आप पूछ सकते हैं, फैमिली के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जहां जहां पाखंड चलता है, चाहे वो धार्मिक माफिया है, रिलीजियस जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, जी। माने धार्मिक माफिया, ड्रग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, सोशल माफिया, मीडिया माफिया, सबके खिलाफ मैं बोलता हूँ, एजुकेशन माफिया ऑल्सो। तो वे जो गलत कर रहे हैं उसके तो से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और सही के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी देखो मैं आपसे बात करता करता मुझे अभी दिल्ली में हमारे जो संस्कार हेड ऑफिस है, इधर संस्कार और आस्था दो चैनल चलते, तो अभी मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी यहीं बैठे बैठे बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अभी बताया कि यू नो एमएनसीज को भी आज कंपटीशन लग रहा है पतंजलि के थ्रू, और यू नो बट हम जानना चाहेंगे स्वामी जी आपसे कि आपने ये ऑर्गेनिकली कैसे आज ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर अचीव किया है इंडिया में, जो कि एक बहुत ही मुश्किल मार्केट है मेरे हिसाब से। तो सिर्फ या तो ऑनेस्टली टेलीकॉम में ये हो पाया है, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ये हो पाया, या पतंजलि ने करा है, जहां पर उन्होंने लिटरली लास्ट माइल पे जाके कंज्यूमर को रीच आउट कर लिया, और इतने कम टाइम में। आई मीन यू नो 50-60 साल में तो सभी कंपनीज कर लेती हैं, पर लिटरली 6-7 साल में जो आपने इतना ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, दैट इज रिमार्केबल, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप हमें उसके अंदर कुछ गाइड करिए कि आपने किस तरह किया है। और दूसरी चीज यू नो अगर आप एमएनसीज का स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें अगर आप यूनिलिवर देखें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल देखें,
तो वो लोग सब ब्रांड्स बहुत बनाते हैं, उनके अंदर लक्स भी होता है, सर्फ भी होता है, यू नो हर हर चीज के 10 लाइफ बॉय भी होता है, तो 10-10 ब्रांड होते हैं एक ही के। आपका सब कुछ पतंजलि के अम्ब्रेला ब्रांड के नीचे ही है। अब आपको क्या लगता है इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, या आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि इसमें कई बार ही कुछ नुकसान भी है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं? देखो ये मारिया जी पुराने जमाने की बात हो गई, जब लोग ब्रांड को उसकी मदर कंपनी के साथ जोड़ते नहीं थे। जी आज जैसे ही जो है मैगी के ऊपर बात आई तो नेस्ले का नाम सारे मीडिया में एक मिनट में उछल गया। जी तो आप पहले क्या होता था, लोग चालाकी ये करते थे कि भाई एक ब्रांड के ऊपर कोई क्वालिटी को लेकर के प्रॉब्लम आई, कोई कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, कोई दूसरी चीजें आ गई, तो बाकी ब्रांड बचे रहेंगे। जी अब कोई बच नहीं सकता, ऊपर वाला तो देख ही रहा है सारा मीडिया। मीडिया इतना, और मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी मैनेज भी कर लो आप, उनको बहुत अधिक एडवर्टाइजमेंट का आदि आप बजट देते हो तो काफी आपके कंट्रोल में रहते होंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल कर लोगे, एक मिनट में धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। दूसरी बात देखिए, हमने भी पतंजलि के अलावा 4-5 बड़े ब्रांड हमने जो है एस्टेब्लिश किए हैं। दंत कांति हमारा एक इंडिविजुअल ब्रांड है, ईश कांति हमारा एक इंडिविजुअल ब्रांड है, हमारा जो है पावर बीटा एक इंडिविजुअल ब्रांड है, हमने जो है अपना ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर का हमने एक इंडिविजुअल ब्रांड क्रिएट किया, हमने गाय के मूत्र से बना हुआ फ्लोर क्लीनर गोनाइल जो है इंडिविजुअल ब्रांड के रूप में हमने क्रिएट कर दिया है। ऐसे मतलब आप देखेंगे तो ऐसे हमने सब ब्रांड्स भी अपने करीब 8-10 बड़े ब्रांड हमने क्रिएट कर दिए, और इन इन फ्यूचर जो है अभी क्योंकि अब तो पतंजलि के साथ न्यूट्रिला और बाकी भी बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, तो हमारे इंडिविजुअल ब्रांड भी हैं और सब ब्रांड्स भी हैं। और अम्ब्रेला ब्रांड में अब दरअसल क्या है, थॉट प्रोसेस, एक एस्टेब्लिश्ड जो थॉट प्रोसेस होता है उससे हट करके मैंने काम किया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि एक ब्रांड के अंदर फूड और नॉन फूड ये कोई एक कंपनी कर नहीं सकी, पूरे वर्ल्ड में यूनिलीवर जो है फूड की कंपनी बहुत बड़ी मानी जाती है, हिंदुस्तान में उसका फूड फेल हो गया जी। यहाँ पर उसको कॉस्मेटिक कंपनी मानते हैं, यूनिलीवर को हिंदुस्तान में कोई बात करे तो बोलो वो क्रीम पाउडर बनाने वाली कंपनी, फूड कंपनी के नाम पर खाली उसका एक किसान नाम की चटनी आती है, और वो भी जो है अभी थोड़े दिन और लग जाओ इस चटनी की भी मैं चटनी बना दूंगा। तो मैं आपको बात ये कह रहा हूं कि जो है चीजों को करने के लिए, जैसे मुझसे कहा कि एक ब्रांड के नीचे फूड नॉन फूड नहीं आ सकता, आज पतंजलि में एक ब्रांड के नीचे फूड और नॉन फूड बराबर है, यद्यपि पे हमारा 60-40 का रेशियो चलता है, लेकिन गाय का घी, बोले पतंजलि गाय का घी, ये गाय के घी का ब्रांड हमने क्रिएट किया, गाय का घी कोई भी बोलता है तो पतंजलि आ जाता है लोगों के दिमाग में, और प्योरिटी के साथ किया, एडल्टेशन के खिलाफ लड़ करके किया, और किसी तरह की आम लोक भाषा में बोले बिना चौचलेबाजी के, बिना किसी ड्रामा के। तो चीजों को क्रिएट करने के लिए मुझसे लोगों ने कहा कि 3-4 तरह की बातें मैंने शुरू में काफी जो एजेंसियां हैं जो सलाह देती हैं तो उनको बात की, तो उन्होंने मेरे से कहा कि पतंजलि से बहुत बड़ा नाम है स्वामी रामदेव, जिसको 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में पहचानते हैं गांव गांव तक, तो आपको पतंजलि नाम ब्रांड रखेंगे तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैंने दो साल के अंदर ये कर लिया था कि जितने लोग स्वामी रामदेव को जानते थे उतने लोग पतंजलि को जानने लग गए। चीजों को करने के लिए आपको पॉजिटिव माइंड सेट से काम करना पड़ता है, और कंटिन्यूटी में निरंतरता एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मैं कहता हूँ सातत्य ही सफलता है, कंटिन्यूटी इज सक्सेस। तो आप लगातार लगे रहते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं अपने क्वालिटी के साथ, वर्क कल्चर के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की तो उसके लिए मैंने जरूर लगती है, तो उसको पूरा जो है स्टार्टिंग में मैंने खुद जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिलेक्शन किया, उसमें अच्छे ईमानदार लोगों को लिया, उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशनल लोगों की टीम हमने खड़ी की, आज जो है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन, हम कोविड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई ब्रांड काम करने वाला है तो पतंजलि है।
इसका कारण ये रहा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन भी अपना क्रिएट कर लिया था। आज करीब 1,000 ट्रक्स हैं हमारे पास में अपने ओन लॉजिस्टिक्स पतंजलि परिवहन में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो लॉजिस्टिक्स जितना ज्यादा कोरोना के टाइम पे 2020 में इसकी इम्पोर्टेंस निकल कर आई है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत जरूरी है कि हम ये डिलीवरी का सेटअप कंपनीज पावरफुल। हमने लॉजिस्टिक भी अपना अपना रखा। उसके बाद हमारी जो डायरेक्ट रीच है लगभग आज 10 लाख जो है शॉप्स के ऊपर है, जी तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, फिर होलसेल और दूसरे के माध्यम से। अब तो हिंदुस्तान में छोटे छोटे गांव में भी आपको दंतकांति मिल जाएगा, पतंजलि का हनी मिल जाएगा, च्यवनप्राश मिल जाएगा, हमारा माने गाय का घी मिल जाएगा, पतंजलि के बाथ सोप्स मिल जाएंगे आपको। तो चीजों को करने के लिए आपको लगातार लगना पड़ता है, वक्त तो लगता है इसमें, अच्छे लोगों को चुनने में भी वक्त लगता है, फिर बाकी तो प्रोसेस चलता रहता ऑनगोइंग। तो स्वामी जी आप क्या सोच रहे हैं, हमारे इंडिया में जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो हमेशा आईपीओ की तरफ सोचती है, जहां उन्हें लगता है कि यू नो हमारा ब्रांड एक्चुअली से, क्योंकि आप देखते हैं कि ब्रांड बड़ा होता जा रहा है और उसको एक्सपेंशन के लिए कैपिटल भी चाहिए होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि पतंजलि का जल्दी ही आप आईपीओ निकालेंगे या कुछ और ब्रांड्स आप एक्वायर करना चाहेंगे, जैसे आपने रुचि सोया किया है तो? अब ये मारिया जी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी अभी इसको। अभी इसको इतना ही रख लेते हैं कि अभी हम रुचि सोया में तो एफपीओ या क्यूआईपी करेंगे जरूर, क्योंकि वो तो लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी, और आपको पता है कि लिस्ट जब पतंजलि ने लिया उससे पहले उसका शेयर का भाव हुआ करता था 3 रुपए से लेकर के 7 रुपए मैक्सिमम, और अब वो जो है 600 से 700 के बीच में घूमता रहता, और एक बार तो पता नहीं कहाँ 1400 1500 रुपए तक की भी तीर्थ यात्रा करके आ गया। तो चीजों को अच्छे से करना है। बहुत जल्दी ही इसी साल पतंजलि के बारे में भी कुछ बड़ी खबर मिलेगी। और आप कुछ और कैटेगरीज में भी जाने का सोच रहे हैं? अब तो हेल्थ पे जैसे आपने न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा कि यू नो आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं आप आगे चलकर, तो कुछ आई मीन हेल्थ केयर से हटके कुछ और कैटेगरीज भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी और सेक्टर में आप सोचते हैं आप करना चाहें? प्रस्ताव तो बहुत आते रहते हैं, हम जो है अभी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं पतंजलि और रुचि सोया के ऊपर ही जी। अभी कम से कम 2 साल इस पर ही फोकस करेंगे, इसलिए 2 साल का विजन अभी बोल सकते हैं। देखो कुछ भी किया जाए हम सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, लेकिन उसके लिए परिस्थिति और तमाम तरह की आवश्यकताएं देश की, उसके आधार पर हमें निर्णय लेने होते हैं। तो अभी 2021 का साल बहुत बड़ा होगा पतंजलि के लिए हर दृष्टि से, और देश में भी आत्मनिर्भरता का जो ये नया दौर शुरू हुआ है उसमें आपने भी कहा, और ये अब तो जो है देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के वित्त मंत्री जी से लेकर के मीडिया से लेकर के प्रोफेशनल से लेकर के सब कहते हैं कि पतंजलि एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आत्मनिर्भर भारत की। तो हम जितना भी हो सकेगा इस देश में एक अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, और ये बिजनेस नहीं लेकिन इस देश के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी एजुकेशन फील्ड में पतंजलि की तरफ से होगा, जो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से देंगे, करोड़ों बच्चों को स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड जो है अपने जड़ों से जुड़ करके कल्चर रूटेड एजुकेशन की तरफ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने बताया उस पर हमारा दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि देगा। ये तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा, और इसको विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापना कर रहे हैं? अभी ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का हेड ऑफिस तो अभी दिल्ली और हरिद्वार में ही रहेगा, और एनसीआर में ये यूनिवर्सिटी जो मैंने बोला है करीब 1 लाख बच्चों की कैपेसिटी की ये तैयार होगी। बहुत बड़ी बात, ये कम से कम स्टार्टिंग में इसका 5 से 10 हजार करोड़ रुपए बजट होगा,
और बाद में ये 20-25 हजार करोड़ तक जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा। नहीं, और ये बहुत ही बड़ा और एक लाइफ चेंजिंग एलिमेंट रहेगा बच्चों की जिंदगी में। सो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी सोच है जो आपने एजुकेशन सेक्टर में, कल्चरल रूटेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यू नो आई नो टाइम खत्म हो रहा है स्वामी जी, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने योगा को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन ऑनेस्टली इनिशियल रेवोल्यूशनरी योगा के आप ही हैं, जहां पर लोगों ने आपको देखकर योगा करना सीखा, उसका जाना कि ये करने से उनको क्या फर्क पड़ेगा। अब पर क्योंकि बजट में हेल्थ केयर पे इतना बड़ा अब वो यू नो फोकस डाला है, इतना एम्फेसिस दिया है, आपको कैसे लगता है कि योगा और हेल्थ कहीं ना कहीं रिलेट हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकते नहीं है मारिया जी, वो हो चुके हैं जी। आप देखो, यदि मैं अमेरिका में होता तो मैं योग की एक कॉमर्शियल ब्रांडिंग कर देता जी। ठीक है। आप करने की सोच रहे हैं इंडिया में? देखो मैं यदि एक बात और बताता हूँ, अभी कर नहीं रहा हूं मैं, कभी होगा तो आपको ये फ्यूचरिस्टिक एक ऐसे ही बोल देता हूँ, बच्चों की जानकारी के लिए बोल रहा हूँ मैं। विदाउट एनी प्रिक्योरमेंट, विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट एनी रॉ मटेरियल और विदाउट एनी रिसोर्सेज, अपने नॉलेज को ही वेल्थ में कन्वर्ट कर सकता हूं, और कम से कम मैं 1 लाख करोड़ से लेकर के 5 लाख करोड़ का ब्रांड क्रिएट कर सकता हूं। पतंजलि योगा स्टूडियो, पतंजलि हेल्थ स्टूडियो क्रिएट करके, जहां पर 25-50 लोग आकर के अपना बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, मैंने सारी बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर किया है जी। तो स्वामी रामदेव जो बोल रहा है, मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, जो IITians हैं बच्चे हमारे, वो अपने नॉलेज को, मैं ये थोड़ा सा ब्रांडिंग की बात करना चाहता हूँ, वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाता है, अपना जिस जिस सब्जेक्ट में उनका नॉलेज है उसमें उनकी पराकाष्ठा होनी चाहिए, उनका नॉलेज चैलेंज, कोई चैलेंज ना कर सके, ऐसा नॉलेज होना चाहिए उनका। जैसे योग का जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपर्टीज है, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, रिसर्च पर बेस्ड है जी। मैंने योग और आयुर्वेद को आज वर्ल्ड में, यदि एविडेंस बेस्ड योगा प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिकेशन कोई प्रोवाइड कराता है तो स्वामी रामदेव। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका नॉलेज का एक तो इस ये लेवल होना चाहिए, दूसरा अब उस नॉलेज के साथ साथ में आपके पास में एक बड़ा विजन होना चाहिए जी। और उस विजन को धरती पर एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको जमीन पर उतारने के लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है। इसको मैं दो शब्दों में कहता हूँ, हम विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये दो शब्द है मेरे आज सारे हमारे IIT के स्टूडेंट्स के लिए और सारे प्रोफेशनल्स के लिए, कि आपने जो ठान लिया कि मुझे ये करना है जी, तो आप को कोई रोक ना सके उधर, और उसको पूरा करने के लिए आपको सभी दिशाओं से, माने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फैमिली से, सोसाइटी से, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, पॉलिटिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, सभी तरह से आपको उसमें अपनी मेहनत डालनी पड़ती है। एक दिशा से पुरुषार्थ करने से बड़ी चीजें खड़ी नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ हेमंत बंसल, हमारे रुचि सोया के जो सारे उसको ड्राइव करने में एक बहुत बड़े हमारे वो प्रोफेशनल हैं, और उन्होंने उनको हमने नीचे से उठा करके और एक बड़े दायित्व को उसको लेकर के आए। उसको पता है जब शुरू में हमने रुचि सोया को टेक ओवर करने की बात की तो उस लोगों ने मुझे पागल कहा था, बोले स्वामी रामदेव पागल हो गया, और उस समय बहुत क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था, पिछले साल की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा था और बहुत तरह की क्वेश्चनिंग हो रही थी, बोले 4,500 करोड़ रुपए स्वामी रामदेव ने जो कुछ कमाया था सब बर्बाद कर देगा। अब लोग करे तो बड़ा होशियार निकला।
आपको बड़ी सोच रखनी है और उसको पूरा करने के लिए सब कुछ झोंक देना है। तो मैं तो कहता हूं, मैं सब लोगों को दिमाग वाला पागल देखना चाहता हूं। तो ऐसे संकल्प के साथ जब हम काम करते हैं हमारे अच्छे, तो चीजें खड़ी हो जाती है, और उसको कंटिन्यू करने के लिए भी आपको फिर कंटिन्यूअस उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। और उसको मैंने कहा ना, भार लेकर, बोझ लेकर के नहीं, निर्भार रह करके, बिना किसी बोझ के उसको हलते हंसते खेलते आप कर सकते हैं, एक वर्क को एंटरटेनमेंट करते हुए। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये वर्क अगर एंटरटेनमेंट होगा तो वर्क लगेगा ही नहीं कभी भी। एंड फाइनली स्वामी जी, आप बताइए कि इतना बड़ा आपने इंडिया को एक सक्सेस स्टोरी दिया पतंजलि में, आप उसको क्या ग्लोबल विजन देखते हैं? आप उसको इंडिया से बाहर लेके जाना चाहते हैं? और कितना इंटीग्रेटेड कंपनी है, जहां मैन्युफैक्चरिंग से लेके लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन तक आप सब कुछ कंट्रोल करा है आपने इंडिया में, और इतने अच्छे से किया है। जब इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अदर कंट्रीज में तो बहुत ऑर्गेनाइज है उनका सारा सेट, तो आप ये कैसे ग्लोबलाइजेशन सोचते हैं आप करेंगे? हाँ, मोदी जी भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और लोकल को बनाना है ग्लोबल, तो हम बनाएंगे और करके दिखाएंगे आपके। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ आज के इस पूरे, ये जो स्पेशल टॉक्स हो रखा आपने, एक एक बहुत बड़ा एक तरह से सेमिनार है हमारे IITians का, तो जी उसमें यही कहूंगा कि आने वाला जो वक्त है उसमें हम वर्ल्ड वाइड पतंजलि को लेकर के जाएंगे, रुचि सोया को भी लेकर के जाएंगे, अपने न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को भी लेकर के जाएंगे, और योगा को भी इंडिया में तो चैरिटी के रूप में ही लेकर के जाएंगे। यहाँ पर हमारा 600 जिलों में, 5,000 तहसीलों में, 2.5 से 3 लाख गांव में हमारा नेटवर्क है, और उसमें मैंने 10 लाख योग टीचर्स तैयार किए हैं, 10 लाख। जैसे आपके कितने IITians होंगे अभी तक के सारे IITs जी जो आपके पास आउट करके स्टूडेंट्स गए होंगे। तो मेरे मैंने जो अपने मेरे मैं मासेज का आदमी हूँ, ठीक है, क्लासेज भी है मेरे साथ, लेकिन मैं मासेज का आदमी हूँ और उसी तरह से मैं सोचता हूँ चीजों को। तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में हम योगा स्टूडियो भी लेकर के चले जाए। बड़ी अच्छी बात है, और लोग सीखेंगे और आप हेल्थ केयर ग्लोबल लेके जाएंगे उस तरह से। आयुर्वेद को आज 16 लाख करोड़ से ज्यादा का हेल्थ केयर का मार्केट है, तो उसको भारत उसमें वर्ल्ड लीडर हो सकता है, मैं इतनी बड़ी सोच रखता हूँ, और उसको स्टेप बाय स्टेप हम एग्जीक्यूट करेंगे। जी और जितने भी आपके IITians हैं, एक बात मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, वो पतंजलि के साथ जुड़ करके कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं किसी भी रूप में, मैं उनको भी जो है कहूंगा कि अब थोड़ा MNCs के आकर्षण से थोड़ा मुक्त होइए, थोड़ा ठेठ देसी अंदाज में भी देश के लिए कुछ करके दिखाइए, और अपने देश के बच्चों के अंदर, देश के हमारे यंगस्टर्स के अंदर ये हौसला पैदा होना चाहिए कि हम अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने, अपने देश में कुछ इतना बड़ा क्रिएट कर सकते हैं कि जो आज कोरिया की छोटी छोटी कंपनियों ने करके और उनको ग्लोबल बना दिया। मैं गया हूँ साउथ कोरिया, जी चाइना में गया हूँ, मैंने जापान में मैं गया हूँ, यूरोप में मैंने जर्मनी, फ्रांस गया हूँ, इटली जैसा छोटा सा देश, ऐसे छोटे छोटे देशों ने ग्लोबल ब्रांड क्रिएट किए, तो बिल्कुल ये एक दृष्टि होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, तो उस विजन के साथ हमारे IITians भी जुड़े तो मुझे खुशी होगी।